नमस्कार, आज हम लोग जानेंगे चेस्ट पीएबी कैसे लिया जाता है। तो आज मेरे साथ है आकाश, मेरा ये हम लोग का स्टाफ का ही। आज उसको करके देखेंगे चेस्ट पीएबी कैसे लेते हैं, पोजीशन कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चेस्ट पीएबी का पोजीशन कैसा होता है, कैसे लिया जाता है। तो चलिए देखेंगे अभी चेस्ट एक्सरे, चेस्ट पीएबी कैसे लिया जाता है। तो उसके लिए आपका 12 आदमी जितना भी एडल्ट आदमी होगा या बड़ आदमी का साइज का ऊपर होता है। तो इसको हम लोग चेस्ट के लिए ज़्यादातर आपका ये 1417 कैसेट यूज़ करता है, ये आपका 1417 कैसेट। तो इसको हम लोग इसको कैसेट को हम लोग यहाँ लगाना है। ठीक है, ठीक इस तरह कैसेट को लगाना है। तो उसके बाद ये जो है ना आपका इसमें लोहा लगा हुआ है, तो ये आपका राइट मार्कर, तो इसको हम लोग राइट साइड में लगा देंगे। ठीक है, ये जो है ना आपका जितना भी आप एक्सरे करेंगे सब एक्सरे में ये मार्कर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या होता है आपका, जब आप स्कैन करेंगे फ़ोटो में ये सीआर में, तो कंप्यूटर में उसको आपका ये इससे मालूम चल जाएगा कि पेशेंट का राइट साइड कौन सा है। तो इसलिए ये हमेशा पेशेंट का राइट साइड में लगा के रखना है जब आप एक्सरे करेंगे। तो चलिए ये तो कैसे लगाता है इसको देख लिया। तो अभी आकाश को हम इधर देखेंगे कैसे क्रॉस मार्क जो है ना इसको कैसेट का एकदम बीच में लगाना है। ठीक है, कैसेट का बीच में होना है, ये कैसेट का बीच में होना है। ये आपका ऐसे जहाँ था तेरा वेरा ऐसे नहीं रखना है, इसको डायरेक्ट बीच में रखना है। उसके बाद पेशेंट को यहाँ में खड़ा करना है, पोजिशन को अभी देखेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे पोजीशन को कैसे लेता है आकाश को हम लोग देखेंगे। चलिए पोजीशन को देख लीजिए, इसको ये थोड़ा नीचे करके पेशेंट का हाथ को कमर में पकड़ने देना है। ठीक है, इस तरह से ऐसे कमर में पकड़ने देना है। और ये जो आपका हाथ का शोल्डर जो है ना, शोल्डर को ऐसे ऊपर ठेल देना है थोड़ा। ठीक है, ऐसे ऊपर ठेल देना है और मुंह माथा को इसका ऊपर में रख देना है। तो शोल्डर को ऊपर ठेल देने से क्या होता है, इसका पूरा जो होता है ना, इसका पूरा थोड़ा ऊपर चला जाता है, चेस्ट को अच्छे से दिखाई देता है इसमें। ठीक है, तो ऐसे ठीक इस तरह से रखना है। और आपका ये साइड में आपका दोनों साइड में बराबर रखना है, पेशेंट को कैसेट का एकदम बराबर बीच में रखना है। ठीक है, तो अभी देखेंगे इसका ये पोजीशन कैसा है। नीचे हुआ ये देखिए, मार्कर थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे। ये देखिए एकदम बीच में रखना है, क्रॉस मार्कर को एकदम बीच में रखना है। देख लीजिए हम दिखा रहे हैं, ये क्रॉस मार्कर जो है ना इसको डायरेक्ट ऐसे बीच में रखना है, पेशेंट का बीच में रखना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देख के एक्सपोजर में जाएंगे। देखिए एक्सपोजर है ये, इसमें आपका हम एमए दिया है 60 का, केबी दिया है 80 और एमए ए सबका 60 दिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको एक्सपोज लेंगे, एक्सपोज लेके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए लाइट को ऑफ कर देते हैं। तो ठीक है, हम लोग अभी एक्सपोज लेंगे, एक्सपोज लेके देखेंगे एक्सरे व्यू को। ठीक है, तो जब एक्सपोज लेंगे तब पेशेंट सांस बंद करके रखना है। ठीक है, सांस बंद करने से आपका लंग्स में हवा नहीं जाएगा, उसका वजह से आपका एक्सरे व्यू अच्छा आएगा। अगर सांस बंद नहीं करेगा तो आपका एक्सरे नहीं होगा, क्लियर नहीं आएगा। तो अब हम लोग एक्सपोज लेंगे। रेडी, सांस बंद करके रखिए।
ठीक है। अभी हम लोग एक्सपोज ले लिया, तो चलिए देखते हैं फिल्म को। तो ये आपका सीआर में डालना है, आपको पहले भी हम समझा चुका है कैसे इसको डालते हैं, और एक बार आप देख लीजिए, इसको पूरा जोर से ठेल देना है अंदर तक, ठीक है। ये देखिए हम लोग का ये जो चेस्ट एक्सरे का व्यू जो स्किन हो गया, तो देख लीजिए ये फोटो है चेस्ट पी ए व्यू आपका। ये देखिए ये जो हम लोग मार्कर दिया था ना, ये राइट मार्कर है, ठीक है, ये जो राइट मार्कर है। तो ये राइट मार्कर देने का मतलब है कि राइट साइड कौन सा है उसको मालूम चलने के लिए। तो पेशेंट का हम लोग राइट साइड में लगाया था, तो ये पेशेंट का अभी ये राइट साइड में आ गया। आपको पहले भी हम बताया है, जब आप एक्सरे करेंगे पेशेंट का जो फोटो होता है उसका इस तरफ जो है ना सब समय राइट होता है और इस तरफ लेफ्ट होता है। तो आप जब कभी एपी लेंगे तो एपी में आपका राइट साइड इस तरफ भी आ सकता है, उसको चेंज करके इस तरफ लाना है। राइट साइड को सब समय इस तरफ देना है राइट साइड, और लेफ्ट साइड इस तरफ रहेगा, ठीक है। राइट साइड सब समय इस तरफ रहता है, इसको याद रखना है। देखिए आपका फ्लेम आ गया, इसको अभी हम लोग प्रिंट एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कैसे करना है पहले भी हम देख चुका है, आपको दिखा चुका है पहले वीडियो में मेरा। तो इसको एडजस्ट करके फ्रेम में डाल के प्रिंट कर देना है बस। हेलो दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ आ गया होगा कि चेस्ट पी ए व्यू कैसे लिया जाता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और मेरा चैनल में नया आने से सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, लाइक ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही, बाय।